दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अक्सर एक स्कैम हमारे साथ हो जाता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। आज की वीडियो में उसी को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे फंसा लेगा, उसके बाद आपसे कैसे वो ज़्यादा पैसे ऐंठ सकता है और इसका इलाज भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको आज पता चलने वाला है मोबाइल रिपेयरिंग स्कैम के बारे में। नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम अपना मोबाइल फ़ोन ठीक करने के लिए किसी दुकान पे देते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम के लिए देंगे, मगर जब एक घंटे बाद जब वो बंदा दोबारा हमें बुलाता है ना दुकान पे, तो उसके बाद वो खर्चा बढ़ा देता है। वो कहता भैया इसका तो ये भी ख़राब था, वो भी ख़राब था, मैंने वो भी चेंज कर दिया, मैं ये भी चेंज करूंगा इसका। तो ऐसे कह के कि आपको 1000-2000 से वो कुछ होता नहीं। एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए काफ़ी भाइयों ने मुझे कमेंट भी किया है कि सर मैंने छोटी सी प्रॉब्लम के लिए फ़ोन ठीक करने के लिए दिया था, बाद में उसने मदरबोर्ड ख़राब बता दिया। तो मदरबोर्ड है ना ख़राब नहीं होता है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये दुकान वालों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। आज इतना खुल के बता दूंगा कि आज से पहले मैंने शायद कभी खुल के बताया हो आपको। ये होता है मदरबोर्ड, हर फ़ोन में एक मदरबोर्ड ज़रूर होता है। मेन चीज़ मदरबोर्ड को ही बोलते हैं मोबाइल फ़ोन की, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, ये मोटो G60 है, इसकी डिस्प्ले डाली है हमने, मगर इसकी बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको मदरबोर्ड की बताता हूँ। देखो ये मदरबोर्ड है, ये है ना मदरबोर्ड, हर मॉडल का बड़ी मार्केट में 100-150 रुपये इतने में आराम से मिल जाता है। सेम मॉडल, सेम मदरबोर्ड, ठीक है, सेम मोबाइल फ़ोन के मॉडल का। आपके पास कोई भी फ़ोन हो ना इस वक्त, चाहे आप वीवो का कोई भी मॉडल चला रहे हो, चाहे ओप्पो का कोई भी मॉडल चला रहे हो, सैमसंग का, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईफोन, कोई सा भी आप फ़ोन चला रहे हो, सबका मदरबोर्ड मार्केट में अवेलेबल होता है, ख़राब वाला, जो कि डेड मदरबोर्ड होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मदरबोर्ड दुकानदार, कई बंदे जिनको चोरी की आदत पड़ चुकी होती है, वो मदरबोर्ड ख़रीद के ले आते हैं और फिर जब आप फ़ोन ठीक कराने जाओगे ना, तो वो आपको बताएगा भैया 200 रुपये लगेंगे फ़ोन में। आप कहोगे ठीक है भैया कर दो, जैसे कोई छोटी सी प्रॉब्लम थी। अब जब आप एक घंटे बाद जाते हो ना, तो वो आपको बोलेगा कि भाई इसका ना मदरबोर्ड ख़राब है यार, चल नहीं रहा, अचानक से बंद हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा। तो ऐसे में आप तो शांति से घर आ जाते हो कि हाँ यार भाई मेरा फोन मदरबोर्ड काम नहीं कर रहा, लगता सर्विस सेंटर दिखाना पड़ेगा। आप ऐसे चुपचाप घर आ जाते हो, मगर उस बंदे ने क्या गेम खेला आपके साथ, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप ये मान लीजिए आपका फ़ोन है, दुकानदार ने खोल दिया, वो फ़ौरन क्या करेगा, उसे रिपेयर तो करना नहीं, उसने आपको 200 रुपये में फंसाया था, मगर अब वो आपका ये मदरबोर्ड है ना निकाल के बेच देगा आराम से 3000 रुपये तक का, जो मोबाइल फ़ोन की वैल्यू होगी। अगर आपका मोबाइल फ़ोन 20000 रुपये तक का है, तो आपका मदरबोर्ड 8000-10000 ऐसे में बिक जाएगा, और जो 100-150 वाला मदरबोर्ड है ना, वो आपके फ़ोन में डाल के दे देगा। खाली तो आपका फ़ोन देगा नहीं वो, वरना आप कहोगे भैया इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो वो खाली नहीं देगा, मदरबोर्ड ख़राब वाला उसमें डाल देगा। तो अब आप अपना दिमाग लगा कर बताओ बिट्टू भाई को कि 200 रुपये अच्छे या फिर 2000 रुपये अच्छे, है ना। तो आजकल ऐसा ही स्कैम मार्केट में करने लगे हैं, इस चीज़ से आप अवेयर रहना। मैं आपको इससे बचने का ना एक तरीका बताऊँगा वीडियो के बीच में, स्किप करके बिल्कुल मत देखना, ठीक है। मोबाइल रिपेयर वाले भैया गालियाँ तो बहुत दे रहे हैं यार, खुल खुल के गालियाँ आ रही हैं, मगर कोई बात नहीं, समर्थन करता हूँ इनकी गालियों का, ठीक है। पब्लिक को बचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों जितना हमें पता है। अच्छा अब देखिए, जब उस बंदे ने मान लीजिए आपने फ़ोन ठीक करने के लिए दिया, अब वो बंदा क्या करे, ये वाला मदरबोर्ड आपका वाला रख लेगा, बढ़िया वाला, ठीक है, जो एकदम ओके रिपोर्ट है, सारी चीज़ इसमें होती है, नेटवर्क, कैमरा, पावर वगैरह जो भी कुछ होता है ना, सब मदरबोर्ड के अंदर होता है, इससे अलग और कुछ नहीं होता भाई। एक चार्जिंग बोर्ड होता है, वो सिर्फ चार्जिंग का कनेक्शन, उसमें 4-5 पॉइंट होते हैं बस, वो ज़्यादा नहीं, वो अलग से 20-25 रुपये का आराम से मिल जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये मेन चीज़ है ना, ये मदरबोर्ड होता है, ठीक है, इस मदरबोर्ड पे अपनी नज़र गड़ाए रखते हैं बहुत सारे बंदे जिन्हें चोरी की आदत पड़ चुकी है। और अब आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी हो, जो बड़ी मार्केट होती है ना, आप लखनऊ से हैं तो लखनऊ की बड़ी मार्केट, बॉम्बे से है तो बॉम्बे की बड़ी मार्केट, दिल्ली में हो तो दिल्ली में करोल बाग हो गया, तो आप यहाँ पर आप अक्सर ये स्कैम देखोगे। आप अगर ये सोच के इन मार्केटों में जाओगे ना कि यार बड़ी मार्केट है वहाँ पे सस्ते में काम हो जाएगा, भाई सस्ते में नहीं होगा, वो बंदा फ़ौरन आपका मदरबोर्ड निकाल के रख देगा और दूसरा वाला इसमें डाल देगा और कहेगा भाई ठीक नहीं हो रहा है यार। पहले तो आपको सस्ता कह के फंसाएगा, भैया 200 रुपये लगेंगे, आप सोचोगे यार मेरे यहाँ तो 2000 रुपये मांग रहे थे, ओहो ये तो यार बहुत बढ़िया आदमी, देखो कितना अच्छा आदमी है यार, 200 रुपये में कह रहा है ठीक भाई कर दे। वो बंदा क्या करेगा, आपका मदरबोर्ड निकाल देगा और उसमें दूसरा मदरबोर्ड डाल के आपके फ़ोन को वापस दे देगा, ये कह के कि भैया मेरे पास है ना इसका सामान नहीं है, या फिर ये कहेगा भैया वो लड़का है नहीं अभी जो रिपेयर करता, वो चला गया, अचानक उसकी माँ मर गई और वो अपने घर चला गया, और वो कल आएगा, कल तक फ़ोन छोड़ दो। अब आप बड़ी मार्केट में फ़ोन छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे नहीं, आप कहोगे नहीं यार भाई वापस दे दो यार फ़ोन, है ना, यही होता है ना। अगर ये कहानी होती है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और चैनल पर नए मेहमान है भाई सब्सक्राइब करके बताओ, जाके इन मोबाइल रिपेयर वालों को पता तो चले कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। ये कह रहे हैं कि कोई नहीं सुनता तुम्हारी बात,
तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, पब्लिक को जितना हो सकेगा अवेयर करूँगा। तो इससे बचने के लिए ना आपको एक काम करना होता है, देखो मदरबोर्ड पर है ना साइन मार दिया करो, जैसे ही वो फ़ोन खोले ना आप अपने सामने खुलवाओ, वो बोलेगा भैया एक घंटा लगेगा ना, कोई बात नहीं भाई एक बार बैक कवर खोल दे, बैक कवर खोल के उससे मार्कर ले लो, परमानेंट मार्कर होता है 10-20 रुपए का, नहीं तो आएगा, आप ख़रीद लेना, और उसके पास होता ज़रूर है मोबाइल रिपेयर वाले पास, उससे मांग लो भाई मार्कर दियो एक बार, मार्कर लेके और पूरे मदरबोर्ड पे है ना साइन मार देना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके मदरबोर्ड में। और ये जो कैमरे होते हैं ना, देखो कैमरे भी आराम से निकल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, ये कैमरा एक एक कैमरा 500-600 रुपए में बिकेगा फिर वहाँ, ठीक है, वो अपने काम से निकालेंगे, दूसरे के फ़ोन में किसी में लगाएंगे तो 500 रुपए उससे ले लेंगे, 600 उससे ले लेंगे, अक्सर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती है, ठीक है। तो उस कैमरे के इस पॉइंट पे पत्ते पे यहाँ पर भी आपको एक साइन मार देना है छोटा सा, या निशान बना देना। और ये जो कैमरे हैं इनके सबके पत्ते ये होते हैं, देखो ना ये पत्ता दिख रहा है ना, यहाँ पे आप अपने छोटे छोटे निशान बना दो या साइन मार दो, स्पीकर है स्पीकर पे भी मार दो, मदरबोर्ड पे साइन मार देना याद करके। और ये जो डिस्प्ले का पत्ता है ना, डिस्प्ले के पत्ते पे साइन मार दो, इससे डिस्प्ले चेंज नहीं कर पाएगा वो, आपकी कितनी कोशिश कर ले चेंज नहीं कर पाएगा, भाई साहब पत्ते पे आपने साइन मार दिया तो, ठीक है। और यहाँ पर भी साइन मार देना, आपका जो ये फ्लैक्स होता है चार्जिंग का, इसे मेन बोर्ड का पत्ता कहते हैं, तो इस पे भी आप साइन मार दीजिए। और बैटरी है ना, बैटरी के ऊपर भी एक बार याद करके साइन मार देना। ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी आज की वीडियो में, बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, मेरे पास कमेंट इतनी आ रही है, मेरा दिल दुखता है जब कई भाई मुझे कमेंट करके बताते हैं ना कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को 100 रुपये बोला था उसने और अब 3000 रुपये तक कह रहा है, मैं क्या करवाऊँ क्या करूँ। तो आपको मैंने ये अवेयरनेस वीडियो दे दी, अब आप अपने आप समझदार हो, आगे से ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपको एक नई बात और बतानी है मुझे, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर टिक कर लेना, और कमेंट करके बताना आपके साथ कभी ऐसा धोखा हुआ है या नहीं हुआ है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फ़ोन का, गुड बाय।